नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है टाटा नगर जमशेदपुर से दानापुर पटना बिहार तक चलने वाली टाटा नगर दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 18183। ये जो ट्रेन है, अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो टाटा नगर से ये आसनसोल, चितरंजन, जासीडी, झाझा, लकीसराय, बख्तियारपुर होते हुए ये दानापुर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। टाटा नगर से दानापुर की जो दूरी है ये 11 घंटे 45 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 36 स्टेशन हैं। 506 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और उसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 43 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है वैसे मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसे साउथ ईस्टर्न रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है। टाटा नगर से ये रोजाना सुबह 8:15 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 11 घंटे 45 मिनट बाद ये जो है पटना के दानापुर स्टेशन में पहुंचती है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस का, वो टाटा नगर से दानापुर तक का होगा किराया। कोचेज वाइज किराया बताऊंगा टाटा नगर से दानापुर तक का। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसमें जो है दो कोचेज जो है एसी चेयर कार के हैं, जिसका टाटा नगर से दानापुर तक का जो टोटल किराया है वो है 650 रुपये, जिसमें 580 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 31 रुपये है। टोटल किराया इसका 650 रुपये बनता है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन है इसलिए इसमें कोई सुपर फास्ट चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। आगे इसमें जो दूसरे कोचेस हैं वो है सेकंड सीटिंग के, तकरीबन 3 कोचेस हैं, जिसका टाटा नगर से दानापुर तक का जो टोटल किराया है वो है 170 रुपये, जिसमें 155 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। टोटल किराया इसका 170 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में तकरीबन 7 कोचेस जो है वो जनरल अनरिजर्व डिब्बे के हैं। टाटा नगर से दानापुर तक का जो जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 151 रुपये के करीब। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं टाटा नगर से दानापुर तक चलने वाली टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। इस ट्रेन का नंबर है 18183 और ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। टाटा नगर जंक्शन जमशेदपुर झारखंड से ये ट्रेन जो है हर रोज़ सुबह 8:15 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 11 घंटे 45 मिनट बाद ये ट्रेन जो है दानापुर पटना बिहार में पहुंचती है। इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेशन है वो है गमरिया जंक्शन। गमरिया जंक्शन में ये सुबह 8:33 पे पहुंचती है और 8:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 10 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। चांडिल जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:20 पे पहुंचती है, 9:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 35 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बड़ा बूम पश्चिम बंगाल में सुबह 9:38 पे पहुंचती है और 9:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पुरुलिया जंक्शन पश्चिम बंगाल में ये सुबह 10:08 पे पहुंचती है और 10:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर टाटा नगर दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहाँ तक की जो दूरी है ये 90 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जॉयचंदी पहाड़ जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 10:51 पे पहुँचती है और 10:53 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 128 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है सुबह 11:28 पे और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 160 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बर्नपुर के बाद ये आसनसोल जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:55 पे और 12:15 पे दोपहर को वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है, इंजन दूसरी दिशा में लगकर चलता है और यहां पर ये ट्रेन जो है अकाल तख्त एक्सप्रेस अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के आखिरी स्टेशन चितरंजन स्टेशन में पहुंचती है। चितरंजन स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 12:38 पे पहुंचती है और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है।
झारखंड के पहले स्टेशन जमतारा में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:54 पे पहुंचती है और 12:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 204 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड के दूसरे स्टेशन विद्यासागर स्टेशन में दोपहर के 1:13 पे पहुंचती है और 1:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 204 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, सॉरी 222 किलोमीटर के करीब। इसके बाद ये ट्रेन जो है मधुपुर जंक्शन झारखंड में पहुंचती है। मधुपुर जंक्शन झारखंड में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:37 पे पहुंचती है और 1:40 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। जासीडीह जंक्शन जो कि झारखंड का आखिरी स्टेशन है, यहां पर ट्रेन जो है दोपहर के 2:03 पे पहुंचती है और 2:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सिमुलतला बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:26 पे पहुंचती है और 2:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। झाझा बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:02 पे पहुंचती है और 3:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 320 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। झाझा का जो स्टेशन कोड है वो है JAJ। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सोलहवें स्टेशन गिद्दौर में पहुंचती है। गिद्दौर में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:14 पे पहुंचती है और 3:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 332 किलोमीटर की करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गिद्दौर के बाद ये ट्रेन जो है जमुई स्टेशन में पहुंचती है। जमुई स्टेशन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:26 पे पहुंचती है और 3:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 345 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। भालुई में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:38 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद 3:40 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 356 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। मननपुर बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:46 पे पहुंचती है और 3:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और पटना झाझा मेमू ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। बंसीपुर बिहार में ट्रेन जो है दोपहर के 3:54 पे पहुंचती है और 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 366 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। क्यूल जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है शाम के 4:05 पे पहुंचती है और 4:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 374 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। लकीसराय जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 4:11 पे पहुंचती है और 4:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। लकीसराय जंक्शन के बाद ये मनकथा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:20 पे और 4:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, न्यू दिल्ली मालदा टाउन न्यू फरक्का एक्सप्रेस के साथ यहां पर इसकी क्रॉसिंग होती है और 381 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बढ़िया बिहार में ट्रेन जो है शाम के 4:31 पे पहुंचती है और 4:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 390 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बढ़िया बिहार के बाद ये ट्रेन जो है हाथीदह जंक्शन बिहार में पहुंचती है शाम के 4:43 पे और 4:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 399 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस जो है वो मकोमा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:55 पे और 4:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 407 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मकोमा के बाद ये ट्रेन जो है मौर बिहार में पहुंचती है शाम के 5:02 पे और 5:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मौर बिहार का स्टेशन कोड है MOR और यहां तक की जो दूरी है टाटा नगर से मौर तक की वो 416 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस जो है वो पुनारक स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:12 पे और 5:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, कोसी सुपर एक्सप्रेस के साथ यहां पर ये ट्रेन जो है क्रॉसिंग करती है और मुंबई आसनसोल एक्सप्रेस के साथ हर बृहस्पतिवार को ये क्रॉसिंग करती है।
पूनारक के बाद ये ट्रेन जो है बाढ़ स्टेशन में पहुंचती है। बाढ़ स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 5:23 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर टाटानगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस जो है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और तकरीबन 435 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बाढ़ के बाद ये ट्रेन जो है टाटानगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस जो है वो बख्तियारपुर जंक्शन बिहार में शाम के 5:42 पे पहुंचती है और 5:44 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 451 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बख्तियारपुर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है खुसरोपुर बिहार में पहुंचती है शाम के 5:55 पे और 5:57 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 451 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, 466 किलोमीटर के करीब। इसके बाद ये ट्रेन जो है फतुहा जंक्शन में शाम के 6:07 पे पहुंचती है और 6:09 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पटना साहिब स्टेशन में शाम के 6:20 पे पहुंचती है और 6:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 488 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पटना साहिब पटना का जो स्टेशन कोड है वो है PNC। इसके बाद ये ट्रेन जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में पहुंचती है शाम के 6:43 पे और 6:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 494 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है RJPB और ये इस ट्रेन का 34वां स्टेशन है। अपने सेकंड लास्ट स्टेशन पे टाटानगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस जो है वो पटना जंक्शन बिहार में शाम के 7:00 पहुंचती है और 7:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 498 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद टाटानगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस जो है वो फाइनली अपने आखिरी स्टेशन दानापुर पटना बिहार में रात के 8:00 पहुंचती है और 5 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। टाटानगर से दानापुर की जो दूरी है 508 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ टाटानगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दें। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।